अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन टू की ट्रांसलेशन करते हैं। लेसन टू है सराउंडेड बाय ट्रैश। सराउंडेड बाय ट्रैश, कूड़ा क्रिकेट से गिरा हुआ, जो हमारे इर्द गिर्द कूड़ा क्रिकेट होता है उसके बारे में है कि कूड़े क्रिकेट से, ट्रैश कूड़े क्रिकेट से गिरा हुआ जो हमारा माहौल है उसके बारे में ये सारा लेसन है। हैव यू एवर बीन टू अ पार्क, टू अ रिवर साइड और अ बिजी मार्केट एरिया। क्या आप कभी किसी पार्क में, किसी रिवर साइड, किसी दरिया के किनारे और आ बिजी मार्केट एरिया या किसी मसरूफ तिजारती इलाका में क्या आप कभी गए हैं? लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोग कम हियर, यहाँ पर आते हैं फॉर फन, मज़े के लिए, फॉर वर्क, काम के लिए एंड फॉर इंटरटेनमेंट और तफरीह के लिए। यहाँ पर लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर फ़न के लिए, मज़ा करने के लिए, काम के लिए और तफरी के लिए आते हैं। एंड वैन, और जब दे गो बैक होम, जब वो घर वापस जाते हैं, दे लीव वो छोड़ जाते हैं बिहाइंड, अपने पीछे, अ माउंटेन, एक पहाड़ ऑफ स्मेली, बदबूदार ट्रैश, कूड़ा क्रिकेट का एंड रबिश, और फजूल अशिया का। वो अपने पीछे क्या करते हैं कि वो अपने पीछे एक पहाड़ छोड़ जाते हैं, स्मेली ट्रैश, बदबूदार कूड़ा क्रिकेट का एंड रबिश और फजूल अशिया का। कि जब लोग सैर करने के लिए कहीं भी जाते हैं तो वो वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं और वो अपने पीछे ये सारी चीज़ों का पहाड़ छोड़ जाते हैं। लिटरिंग, कूड़ा क्रिकेट फैलाना हैज़ बिकम बन चुकी है अ कॉमन हैबिट, एक आम आदत बन चुकी है। कूड़ा क्रिकेट फैलाना एक आम आदत बन चुकी है। एंड द एविडेंस और सबूत है एवरीवेयर, हर जगह अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो हमारी कूड़ा क्रिकेट फैलाने की जो हमारी आदत है, जो आम हमारी आदत बन चुकी है, इसका सबूत हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। इसका सबूत हमें नज़र आ रहा है, जो हम कूड़ा क्रिकेट फैलाते हैं वो हमें अपने इर्द गिर्द हर जगह पर नज़र आता है। एंड द एविडेंस, सबूत, जो सबूत हैं वो एवरीवेयर, हर जगह हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। इफ़ अगर वी गो टू एनी पब्लिक प्लेस, किसी भी अवामी जगह पर जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब लोग होते हैं, अगर हम वहाँ पर जाते हैं, वी फाइंड हम पाते हैं, हमें वहाँ पर क्या मिलता है? सिगरेट बट्स, सिगरेट के टुकड़े, ब्रोकन बॉटल्स, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के थैले, चिप्स रैपर्स, चिप्स के लिफाफे, हाफ ईटन फूड, आधा खाया हुआ खाना, यानी कि लोग आधा खाना खाते हैं और आधा फेंक देते हैं, हाफ ईटन फूड एंड रोटन फ्रूट्स, और रोटन गला सड़ा फ्रूट फल, थ्रोन जो फेंका होता है केयरलेसली, बेहतियाती के साथ या लापरवाही से, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। जब हम किसी भी पब्लिक प्लेस पर, अवामी जगह पर जाते हैं तो हमें वहाँ पर क्या मिलता है? हमें सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं, टूटी हुई बोतलें मिलती हैं, प्लास्टिक के थैले, चिप्स के रैपर्स, आधा खाया हुआ खाना और आधा बाकी जो फेंका होता है लोगों ने वो, और रोटन फ्रूट्स, गला सड़ा फल जो बेहतियाती से ज़मीन पर फेंका होता है। कहाँ फेंका होता है? पार्किंग एरियाज़ में, पार्किंग की जगह पर एंड साइडवॉक्स, और पैदल चलने वाली जो जगह होती हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें फेंकी होती हैं। वेयर एवर, जहाँ कहीं, वी गो, हम जाते हैं, वी क्रिएट अ मेस, हम एक गंदगी क्रिएट करते हैं या फैलाते हैं। वेयर एवर, जहाँ कहीं, वी गो, हम जाते हैं, वी क्रिएट अ मेस, हमें गंदगी फैलाते हैं। एंड वी डू इट, और हम ये करते हैं, ऑल द टाइम, हम ये पूरा टाइम करते हैं, विदाउट बगैर कंसिडर होता है किसी भी चीज़ को, किसी चीज़ में शामिल करना या गौर किए बगैर, इवन कंसिडरिंग आवर एक्शन, अपने अमाल पर गौर किए बगैर, एंड द कॉन्सिक्वेंसिस, नतज, ठीक है। वेयर एवर, जहाँ कहीं वी गो, हम जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम मैस गंदगी फैलाते हैं, और हम ये पूरा टाइम करते हैं अपने एक्शंस, अपने अमाल और इसके नतज, कि हम जो अमल कर रहे हैं इसका नतीजा क्या होगा, हम अपने अमाल और इसके नतज पर गौर किए बगैर हम ये पूरा टाइम करते हैं। व्हाट डज ऑल दिस टेल अस अबाउट आवर सिविक सेंस एंड सोशल
वैल्यूज़। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें हमारे तमदनी शऊर और समाजी इकदार के बारे में और समाजी इकदार के बारे में क्या बताता है। ये सारे जो काम हम करते हैं ये हमारे तमदनी शऊर और समाजी इकदार के बारे में क्या बताता है। इट इज़ अ सैड फैक्ट, ये एक अफसोसनाक या अफसरदा हकीकत है दैट के पीपल लोग यूजली आम तौर पर डू नॉट फील गिल्टी, अपने आप को कसूरवार नहीं मानते या शर्मिंदगी महसूस नहीं करते अबाउट लिटरिंग, गंदगी फैलाने में इन एरियाज़, उन इलाकों में वेयर जहाँ गारबेज कूड़ा क्रिकेट इज़ ऑलरेडी पहले से ही स्कैटर्ड फैला हुआ होता है अराउंड इर्द गिर्द। ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि पीपल जो लोग हैं वो आम तौर पर उन इलाकों में गंदगी फैलाकर अपने आप को कसूरवार नहीं समझते जहाँ ऑलरेडी पहले ही कूड़ा क्रिकेट फैला हुआ होता है। वहाँ पर लोग कूड़ा क्रिकेट जब खुद भी फैलाते हैं तो अपने आप को वो कसूरवार महसूस नहीं करते, वो ये समझते हैं कि जहाँ पर पहले भी कूड़ा था हम और फेंक देते हैं, हालांकि ये गलत बात है। मैनी पीपल बहुत से लोग थिंक ये समझते हैं दैट के इट इज़ राइट, ये सही है टू लीटर गंदगी फैलाना क्योंकि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ, ये ड्यूटी है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है ऑफ स्वीपर्स, खाकरोबों की ज़िम्मेदारी है टू कीप द एरिया क्लीन, के इस इलाके को साफ रखना या एरिया को किसी भी इलाके को साफ रखना ये खाकरोब जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, इसलिए हम जो कूड़ा गंदगी फैला रहे हैं इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं। सम पीपल कुछ लोग थिंक ये समझते हैं दैट के दे स्टे फॉर अ शॉर्ट वाइल, कि वो थोड़ी देर उनके बाज़ुकात हम कहीं जाते हैं किसी पार्क वगैरह में, ठीक है, ये उस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला ये सेंटेंस है। सम पीपल थिंक कुछ लोग ये समझते हैं दैट के दे स्टे फॉर अ शॉर्ट वाइल, कि वो यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे एंड इट डज़ नॉट मैटर, और इसमें कोई मामला नहीं या कोई मसला नहीं, कोई मज़ायका नहीं, व्हाट कंडीशन दे लीव, कि वो किस हालत में दे लीव द प्लेस इन, कि वो इस जगह को किस हालत में छोड़ते हैं। जब लोग कहीं भी आउटिंग के लिए या किसी भी जगह पर थोड़ी देर के लिए जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमने तो यहाँ पर थोड़ी देर ही रुकना है, तो हम इधर जितनी भी गंदगी फैला लें हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इस जगह को किस हालत में छोड़ते हैं, ठीक है, कुछ लोग ये समझते हैं। अदर्स फील दूसरे फील महसूस करते हैं टू लेजी, इतनी सुस्ती महसूस करते हैं टू वॉक अप टू अ ट्रैश कैन, कूड़ेदान तक जाने में, टू डिपॉजिट डालने के लिए रबिश, कूड़ा क्रिकेट इन इट इसमें, और दूसरे लोग कुछ लोग इतनी सुस्ती महसूस करते हैं कि वो कूड़ेदान तक कूड़ा डालने जाने के लिए भी सुस्ती महसूस करती हैं, वहाँ तक भी कूड़ेदान तक भी नहीं जा सकते। बहुत से लोग आर्ग्यू ये दलील देते हैं दैट के देयर इज़ ऑलरेडी सो मच रबिश, कि वहाँ तो पहले ही बहुत ज़्यादा कूड़ा क्रिकेट है ऑन आवर स्ट्रीट, कि हमारी गलियों में तो पहले ही इतना कूड़ा क्रिकेट है, दैट वन मोर शॉपिंग बैग, अगर हम एक और शॉपिंग बैग या जूस बोतल या जूस की बोतल फेंक देंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वुड रियली वाकई मेक नो डिफरेंस एट ऑल, तो इससे बिल्कुल वाकई हरगिज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बहुत से लोग ये दलील देते हैं कि हमारी गलियों में तो पहले ही बहुत ज़्यादा रबिश है, कूड़ा गंदगी है या कूड़ा क्रिकेट है, अगर हम भी उसमें एक और शॉपिंग बैग या एक जूस की बोतल फेंक देंगे तो इससे वाकई हरगिज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्रैश कूड़ा क्रिकेट दैट इज़ लेफ्ट, जो छोड़ा जाता है अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द अट्रैक्ट्स, वो मुतवज्जो करता है जम्स, जरासीमों को, फ्लाइज, मक्खियों को, मॉस्किटोज, मच्छरों को एंड इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़ों को। ट्रैश जो कूड़ा क्रिकेट हमारे इर्द गिर्द छोड़ा जाता है वो जरासीमों को, मक्खियों को, मच्छरों और कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मुतवज्जो करता है। रोटन फ्रूट्स, गला सड़ा फल एंड डिकेंग और बसीदा फूड खुराक स्टफ और बसीदा खाने की जो अशिया हैं वो इमट खारिज करती हैं पॉइजनस जहरीली गैसें एंड बैड स्मेल और गंदी बू विच आर एक्सट्रीमली जो इंतहाई हार्मफुल नुकसानदेह है फॉर आवर हेल्थ हमारी सेहत के लिए। गला सड़ा फल
और बुसीदा खाने की जो अशिया हैं वो जहरीली गैसें और गंदी बू खारिज करती हैं, जो कि एक्सट्रीमली जो कि इंतहाई नुकसानदेह है फॉर आवर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए। फॉर आवर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए। बट वर्स्ट ऑफ ऑल, बट वर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन जो सबसे बुरी बात है, इट गिव्स ये देती है इंटायर पूरे एरिया को, इंटायर एरिया पूरे इलाके को एन अनटाइडी लुक, एक गंदी हालत। बट वर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि इससे फिर पूरा इलाका जो है उसकी, वो अपनी गंदी हालत को जाहिर करता है, या पूरे इलाके में क्या होता है, पूरा इलाका जो है वो फिर गंदा नज़र आता है। लिटरिंग शोज, कूड़ा क्रिकेट फैलाना शोज जाहिर करता है दैट के पीपल, लोगों में ले कमी है सिविक सेंस, शहरी हिस्स की कमी है लोगों में, शहरी हिस्स की कमी है एंड हैव लिटल इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग देयर इन्वायरमेंट, एंड हैव लिटल इंटरेस्ट, और वो कम दिलचस्पी लेते हैं इन प्रिजर्विंग, तहफ़ करने में देयर इन्वायरमेंट, अपने माहौल को, कि वो अपने इन्वायरमेंट के तहफ़ करने में कम दिलचस्पी लेते हैं। द ट्रूथ इज़, सच्चाई ये है दैट के इफ़ अगर वी मेक अ लिटल एफर्ट, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें टू डिस्पोज, ठिकाने लगाने की ऑफ गारबेज, कूड़ा क्रिकेट को, कि अगर हम कूड़ा क्रिकेट को डिस्पोज, ठिकाने लगाने की थोड़ी सी लिटल एफर्ट, थोड़ी सी कोशिश करें आवर सराउंडिंग्स, तो हमारा इर्द गिर्द जो है, हमारे अतराफ जो है, आवर सराउंडिंग्स, हमारा इर्द गिर्द विल बी क्लीन एंड सेफ, साफ और महफूज हो जाएगा, तो हमारा इर्द गिर्द साफ और महफूज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की हमारी ट्रांसलेशन यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।